Hello, dear students. Assalamu alaikum. I welcome you all in this offline classroom. Today the topic is that I have chosen is from your textbook. It is your fifth lesson. The name of the lesson is The Fun They Had. The Fun They Had. This lesson is written by a Russian-born American writer whose name is Isaac Asimov. Isaac Asimov is known for his science fiction writing. The more information you can have about the author is in your book. You can read it for yourself. Now, what is this lesson about? This lesson, the author has made a comparison between present-day schools and the schools of future. इसमें जो है ऑथर ने एक मुकाबला किया है आजकल के स्कूल्स और आने वाले स्कूल्स के बारे में. तो यहाँ हम देखते हैं, वी हैव टू चिल्ड्रन. वन इज मार्गी, उसकी एज है, हर एज इज 13 इयर्स. एंड देन वी हैव अ बॉय टॉमी, हिज एज इज 11 इयर्स. वन डे Tommy finds a book. He is surprised to see that book. He picks up the book and goes to Margie's house. When they see the book, when they go through the lines of the book, जब इस book को वो पढ़ते हैं तो वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं, because they are not familiar with this type of book. उन्होंने जो books देखी हैं, उनकी books जो होती हैं, वो एक screen पर होती हैं. स्क्रीन पर वर्ड्स आते हैं, फिर एक पेज या कुछ वर्ड्स आते हैं, उसके बाद वो मूव करते जाते हैं तो उनकी जगह दूसरे वर्ड्स आते हैं. लेकिन जो बुक, द बुक दे हैव फाउंड टुडे इज अ स्ट्रेंज थिंग फॉर देम. दे हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ बुक. तो आज उन्होंने जो बुक देखी है, जब वो पढ़ते हैं उस बुक को, तो वो वर्ड्स जो होते हैं वो एक ही जगह, दे रिमेन स्टैंड, दे रिमेन स्टिल, स्टैंड स्टिल. तो वो मूव नहीं करते हैं लाइक दे यूज टू सी ऑन द टेलीविजन स्क्रीन. तो ये बुक जो होती है बहुत पुरानी होती है, इसके पेजेस वो क्रिंकली होते हैं, इसका जो येलो हुआ होता है कलर. तो अब इन दो बच्चों में बड़ी इंटरेस्ट बढ़ जाती है कि बुक होती क्या है. लेकिन वो एक दूसरे के साथ अब डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब है इस किताब का. जो वर्ड्स जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहते हैं. आफ्टर टर्निंग द पेजेस, व्हेन वी टर्न बैक द सेम पेज, द सेम वर्ड्स आर सीन देयर. सो दे थिंक इट वॉज अ वेस्टेज ऑफ resource. It was a wastage of paper. After reading the book, they might be throwing it away. वो उसको फेंकते होंगे. हम तो ऐसा नहीं करते हैं. हमारे इस स्क्रीन पर तो ऐसी millions of books हैं, और भी इसमें ऐड हो सकते हो, और फिर पढ़ने के बाद हम इस स्क्रीन को फेंक नहीं सकते हैं. तो इस पर वो उन्होंने जो उनका ये होता है, तो अब वो डिस्कस करते हैं आपस में. तो मार्गी उसे पूछती है कि टॉमी, ये बुक किस बारे में है, व्हाट इज दिस बुक ऑल अबाउट. तो इसमें लिखा क्या है. तो टॉमी उसको बोलता है कि दिस बुक इज अबाउट ए स्कूल. तो जब मार्गी स्कूल का नाम सुनती है तो वो शी गेट्स डिसअपॉइंटेड, वो थोड़ी सी मायूस हो जाती है, क्योंकि मार्गी को जो होता है स्कूल के साथ कुछ नफरत होती है, शी हेटेड स्कूल्स. और अब की बार तो वो अपने, क्योंकि उसका स्कूल कैसा था, उसका टीचर कैसा था, क्या था, लेट मी टेल यू. मार्गी या टॉमी का स्कूल है, उनके कमरे, उनके मकान में एक कमरा, उसमें एक मशीनी, एक मैकेनिकल टीचर होता है, उसके सामने एक स्क्रीन फिट होता है. तो उस स्क्रीन पर जो है वो वर्ड्स आते हैं, बुक्स आते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट डेज पर आते हैं, और फिर वो पढ़ाने के बाद, उनको दिखाने के बाद, वो उनसे एक्सरसाइज उनको देता है, क्वेश्चंस देता है, और उसके बाद अगले दिन उनको वो क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है एक पंच कोड में, एक कंप्यूटर लैंग्वेज में, और फिर वो उस मशीन में एक स्लॉट होता है, उसमें डालने होते हैं. लेकिन अब की बार क्या हुआ था कि मार्गी के का जो ज्योग्राफी का सेक्शन था, उसने उसको परेशान कर दिया था. दो ज्योग्राफी सेक्शन वाला उसको वो ज़्यादा, डे आफ्टर डे इट गेव हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, और मार्गी की जो परफॉर्मेंस होती थी वो अब दैट गॉट वर्स डे बाई डे.
तो उससे मार्गी की माँ परेशान होगी, तो उसने उसको बुलाया, उसको मैकेनिक को बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने देखा कि उसका जो ज्योग्राफी का सेक्शन था वो थोड़ा गियर अप हुआ था, वो मार्गी के लेवल के ऊपर थोड़ा उसको हुआ था, तो उसने मार्गी के लेवल पर लाया और इस तरह से उसने एक घंटे में ही रेक्टिफाइड ही फिक्स्ड द मशीन. देन अगेन दे स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द स्कूल. What is there to Margie asks Tommy, what is there to write about a school? क्या लिखा जा सकता है एक स्कूल के बारे में? एक कमरा होता है, एक मशीन होती है, उसके सामने ये होता है, तो और क्या लिखा जा सकता है स्कूल में? तो टॉमी उसका उसको बोलता है, अरे पगली, इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल. ये स्कूल आज से क्योंकि ये बात कब कर रहे होते हैं, आज से उनका स्कूल जो है आज से 150 years आगे वाला स्कूल होता है. एक ऐसा स्कूल जब इंसान टीचर नहीं होंगे, जब सब कुछ मशीनों से किया, तो वो उस एज की बात के ऑथर हमें उस एज में ले जाता है. तो वो कहता है कि अरे पगली, ये दिस इज नॉट द काइंड ऑफ स्कूल वी हैव टुडे. ये स्कूल दरअसल एक बिल्डिंग में होता है होता था और तमाम पड़ोस के बच्चे used to go there. All the children from the neighborhood used to go there and read together. तो उस पर मार्गी कहती है कि अरे how come a teacher, a man can be a teacher and how come I can allow a man to enter my room to be my teacher. तो उस पर उसको टॉमी कहता है कि no, you're wrong. It's not that kind of teacher doesn't come to your, did not come to your room, but rather the children from the neighborhood used to go to a building that was called school. There were separate rooms. In every room there were a group of students of the same age, and there were different classes, and teacher used to teach them collectively, and then when they played there, they enjoyed there, and when the bell rang, they went back, they returned to their homes collectively, they had a lot of fun. So this raises some curiosity in Margie's mind. She gets some a little bit attracted to this kind of school. In the meanwhile, Margie's mother calls her for the school and tells her that her time, uska school ka waqt ho gaya hai. To Margie jaate hain, ab ki baar usko arithmetic mein wo ye deta hai kuch work. To Margie काम के साथ साथ उस स्कूल के बारे में भी सोचती हैं और कहती हैं कि कैसा होता होगा वो स्कूल, कितना मज़ा होता है, हाउ फन दियर वुड बी, स्टूडेंट्स चिल्ड्रन वुड गो दियर कलेक्ट टुगेदर एंड प्ले टुगेदर एंड दे वुड गेट द सेम होमवर्क एंड दे वुड हेल्प ईच अदर इन दियर होमवर्क, सो दे वुड हैव दे माइट बी हैविंग ए लॉट ऑफ फन, उनको तो बहुत मज़ा होता होगा. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस. दिस इज अ ब्रीफ समरी ऑफ दिस लेसन. एंड नाउ आई विल टेल यू सम द मीनिंग ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स विच यू विल कम अक्रॉस व्हाइल रीडिंग योर बुक. प्लीज गो थ्रू योर बुक बिकॉज